अच्छा पारी, दिवाली आने से पहले, दो दिन आने से पहले ही मैसेज शुरू हो जाते हैं क्या आपको? हैप्पी दिवाली, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, दुआओं का सिलसिला आम हो जाए। अच्छा यही लोग दो दिन पहले नेटवर्क जाम करते हैं। अच्छा कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं ना भाई, दिवाली का मैसेज आता पढ़ते नहीं है। क्यों? बिना ना वैसे ही आया, उनको पता दिवाली वाला दिन ही आएगा, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सीरियसली एक बार पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते। अगर मैं भेजूं ना मैसेज अपनी तरफ से बना के, कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो ना पढ़ेगा उसको। अच्छा ऐसे कैसे? और मैसेज ये भेजूंगा कि अगर तू अपने अंदर भी उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला, तो मुख रूपी द्वार की जीप रूपी देहड़ी पे राम नाम का दीपक जला ले, तेरे अंदर भी उजाला तेरे बाहर। तो यही मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, थैंक यू एंड विश यू सेम। ऐसे ही करते हैं लोग भाजी। मैं तो कहता हूँ कई कई बार दिवाली के चक्कर में 100-150 मैसेज दिवाली के आ गए ना, बीच में एक ऐसा आ गया, अरे सुना है आपके दादाजी गुजर गए, उसको भी लिख देते हैं थैंक यू एंड विश यू सेम। सीरियसली। अच्छा आजकल मैसेज के साथ साथ ना वीडियो और फोटो वाले मैसेज भी आने लगे हैं। हाँ हाँ। बड़े सारे लोग ना हैप्पी दिवाली पे दिए वाली फोटो भेज देते हैं, ऐसे दिया निकला होगा। मैंने रक्षाबंधन में देखा बहुत सारी बहनों ने जो दूर रहती बेचारी नहीं आ सकती, अपने भाइयों को ऐसे फोटो खींच के भेज देती हैं राखी की ना, साथ में देसी घी के 1 किलो लड्डू, ये लो 1 किलो लड्डू। ऊपर से कई भाई भी बड़े शाने होते हैं, 1000 के नोट की फोटो खींचते, क्रिक ये लो कड़क 1000 का नोट प्रिंट आउट निकलवा लेना। अच्छा कुछ लोग ना ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ दिवाली में पहनते हैं, उसके पहले वो तय लगा के रखी होती घर पे, पूरा पूरा साल पड़ी रहती है, अब ऐसे तय लगी होगी कुर्ते को, उस कुर्ते को आप जितना मर्जी प्रेस करो आयरन करो उसको, तो वो सीधा नहीं होता, वो उसकी बाजू ऐसी रहती है। तो जो तो थोड़ा तंदुरुस्त आदमी ऐसे करके सीधा कर लेता है, नहीं तो बेचारे जो थोड़े कम सेहत वाले तो वो कुर्ते के साथ साथ उसे एडजस्ट हो जाते हैं कुर्ते। और भाई क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा, तुमको बड़े से काम तो नहीं देते। देखो ऐसा है, हाँ जी, अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में। अच्छा तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ जब भी वो आए अजय और काजल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो एक मिनट तो नहीं हो? हाँ अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी अभी उससे बात जो उससे पहले बीच में क्या कहा। अच्छा वो अजय देवगन और काजल आने वाले हैं। सिमरन बजा दे मामा, सोच दक ये सिमरन, सिमरन आ रही है, सिमरन बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम अच्छा भाई दिवाली की बात चल रही है, जैसे दिवाली आती है ना बिल्डिंग के चौकीदार बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। बड़ा एकदम से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा आप 10 बार निकलो हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अच्छा कई तो दिन में 2-4 लगा के आए होते हैं, हैप्पी दिवाली सर। अच्छा आप पीछे पीछे आपके घूमते हैं, आप इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुस्से में आ जाते हैं, हैप्पी दिवाली। और तो और ये सिलेंडर वाले जो सिलेंडर पहुंचाते हैं ना आपके घरों में, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं, पहले तो सिलेंडर देकर निकल जाते हैं ना, फिर सिलेंडर आके अरे मैडम मैं लेके जाता हूं, अंदर जाके किचन में पूरा लगाएंगे, चेक करने लगते हैं, ये देखिए मैडम चूल्हा कैसे जल रहा है, दिवाली के दिए भी नहीं ऐसे जलते। बातों बातों बताते हैं कि दिवाली है, थोड़ा कुछ चाहिए, तो ये औरतें बड़ी शानी होती है, हाँ अरे मैं तो भूल गई दिवाली, ये ले लड्डू। वो आदमी फिर याद रखता है उस औरत का मुंह, उसका घर का एड्रेस, अगली दिवाली में ना सिलेंडर में से आधी गैस बाहर निकाल के छिस करके देके आता है, किसने कौन सा हमें को पैसा देना है। कमान
भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बजे रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है, आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कैरम विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 to 5 बहुत ज़रूरी काम से मुझे सोना है, 5 to 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 to 10 रेस्ट है, वेरी बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ। काजोल अकेली नहीं आ रही, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुँह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही हैं मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही हैं, कल आ रही हैं 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना जी, तुम्हारा दिल तो भारी होगा बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूँगा, बट नई नई ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना ना ना, बट तुम ऑन रहना, ठीक है। और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना, अगर यहाँ फंस जाऊँ तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है। और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है। चलो आओ, आओ जल्दी, रेडी।